नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। आज दोपहर अपडेट में सरसों का बाजार कुछ तेज दिखाई दे रहा है। कल बंद बाजार जो बंद भाव थे भरतपुर के, वो कल 30 रुपये तेज थे और 67,650 रुपये के आसपास कारोबार दिखाया जा रहा था। आज भी लगता है कि 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की तेजी भरतपुर के बाजार में दिखाई दे सकती है। सलोनी कल 50 रुपये तेज होकर के क्लोजिंग दे रहा था 7600 पर, और सलोनी में भी आज लगता है कि 50 से 100 रुपये की तेजी शाम तक आ सकती है। कुल मिलाकर के निर्भर करेगा आवकें कितनी हो रही है। कल आवक हुई थी मात्र 2 लाख बोरी, क्योंकि कल छुट्टियां थी, अधिकतर मंडियां बंद थी। आज मंडियों में कामकाज हो रहा है और आवकें आज 5 लाख बोरी के आसपास आने की संभावना है। अगर 5 लाख बोरी से आवक ज़्यादा बढ़ती है तो शाम को फिर बाजार थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है, अन्यथा बाजार में तेजी का रुख रहेगा, क्योंकि KLC बहुत तेजी से आगे ऊंचाई की तरफ है और सरसों का तेल भी निरंतर तेज हो रहा है। आज भी 1 रुपये के आसपास, 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरसों के तेल में तेजी दर्ज हुई है। बात कर लेते हैं कॉटन की, तो कल केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क समाप्त किया था। उसका असर बाजार पर दबाव बनता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बाजार विपरीत दिशा में चल पड़ा है और बाजार ऊंचाई की तरफ है। कल जो बाजार 11,900 या 12,000 के आसपास कारोबार कर रहा था उत्तर भारत की मंडियों में, वहां पर आज 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक या 300 रुपए तक की तेजी दर्ज होने की संभावना बन रही है। आज अभी सुबह सुबह आदमपुर मंडी का कारोबार देखने को मिला है और आदमपुर में नरमा का भाव आया है 11,900 रुपए। कल यहाँ 12,000 रुपये पर कारोबार हुआ था। अभी पहली ढेरी आई होगी, लेकिन इसमें सुधार होने की प्रबल संभावना है। गुजरात का जो भाव कपास का 2300 रुपये था, वो आज 2400 रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरह से जो 12,500 रुपये की मंडियाँ दक्षिण भारत में कारोबार कर रही थी, वहाँ पर भी 100 से लेकर के 300 रुपये तक की तेजी आने की प्रबल संभावना है। इसी तरह रुई बाजार भी अच्छा खासा तेज हो सकता है। कॉटन के खल और बिनोला के अंदर भी अगले महीने अच्छी तेजी दर्ज होगी, लेकिन शाम के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।